अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दम सीख कबाब। तो दम सीख कबाब बनाने की ज़रूरत है कि आधा किलो बोनलेस ले लें हम, बस आप कीमा ले लें, बोटी ले लें, आपकी मर्जी है। उसमें हम डालेंगे लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक 1/2 टेबल स्पून और प्याज और हरी मिर्च होगी एक बड़ा टेबल स्पून फुल भरा हुआ। प्याज छोटी अंडे जैसी कटी हुई होगी जो हम इसे ग्राइंड करते हुए डालेंगे। 1 डबल रोटी का स्लाइस होगा। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी, 1/2 टीस्पून हमें नमक चाहिए होगा, 1/2 टीस्पून धनिया और 1/2 टीस्पून हल्दी। ये हम मसाले इसमें डालेंगे क्योंकि बाकी मसाले हम ग्रेवी में जाएंगे, तो इसमें हम कम मसाले डालेंगे। और 1 चम्मच दही डालेंगे ताकि जो है ये नरम बने। अब हम सब चीज़ें एक जगह पर मिक्स करेंगे। ये हमारा गोश्त आ गया, अब हम ये मिर्चें और नमक चले गए, ये सफ़ेद ज़ीरा, धनिया हम लास्ट में डालेंगे। जी हमने ये स्पाइसेस इसमें डाल दी है, अब इसके अंदर ये ब्रेड का स्लाइस चला जाएगा, ये प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च चली जाएगी और ये प्याज चली जाएगी। अब हम इस पे 1 चम्मच दही डालेंगे। दही डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे ग्राइंड करके एक कीमे की शक्ल में ले आएंगे। अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करते हुए हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब इस स्टेज पर हम इस पर कुटा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे। हम इसे, हमारा कीमा तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम जो बची हुई छोटी प्याज थी वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कीमा बन गया है। अब हम इनके सीख कबाब बनाएंगे। ये मैंने सीख ले ली है जिस पे मैं कबाब बनाऊंगी। अगर आपके पास इस तरह की सीख नहीं भी है तो आप चमचे का पिछला हिस्सा भी ले सकते हैं और खाली हाथों से भी शेप दे सकते हैं। हम मीडियम साइज़ के सीख कबाब लेकर और उनको शेप दे के बनाना शुरू करेंगे। ये हम बना के रखते जाएंगे एक साइड पर। इस तरह से अब आप सारे सीख कबाब बना लें। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। हमने सीख कबाब शैलो फ्राई कर लिए। हमारे साइज का डाल के फ्राई कर लेंगे ताकि जब हम ग्रेवी बना लें तो ग्रेवी में ये बिल्कुल तैयार है। इस तरह आप चाहें तो कभी कभी बाहर के सीख कबाब भी, जैसे हमारे पर लेफ्ट ओवर बच जाते हैं बारबेक्यू तो आपने रखे हुए हों, तो आप अपने घर में ग्रेवी तैयार करें और वो सीख कबाब डाल के बना लें। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए हमारे सीख कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। अब हमारे सीख कबाब तैयार होकर डिश आउट कर लिए हैं हमने इन्हें। एक और बार आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, इसके पराठा, रोल, पिज़्ज़ा, जो दिल चाहे सैंडविचेस में भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आज हम इन्हें ग्रेवी में बनाएंगे आपके लिए। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। अब हमारी सीख कबाब तैयार हो गए। अब हम ग्रेवी के लिए जो चीज़ें हैं ये हमने लिया है लहसुन प्याज टमाटर, हमने इन्हें हल्का सा फ्राई करके पीस लिया था। ये दही है जो बची हुई थी उसके अंदर हम ये तमाम मसाले डालेंगे। इसमें नमक है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, हल्दी है और ये कूटा हुआ पिसा हुआ धनिया है और सफ़ेद ज़ीरा। ये गरम मसाला है जो आपकी मर्ज़ी है, अभी डाल लें या लास्ट में डालें। अब हम इसके अंदर तमाम और ये सब चीज़ें जो हैं ये गार्निशिंग मसाले मिक्स करके और ग्रेवी तैयार करें। अब हम ये मसाला इसको डालने को सबसे पहले मसाले के अंदर तमाम मसाले चीज़ें ऐड कर लेंगे। मैंने तमाम मसाले मिक्स कर दिया जो मैंने अभी आपको बताए थे। अब इसके साथ हम डाल के अब इसको एक साथ ही भूनेंगे। कोयला हमने रख दिया, जब ये कोयला जल जाएगा तो फिर हम डाल के लगाएंगे।
जब ये भून जाए और जिसमें इसका कलर जब तब्दील हो जाएगा तब हम इसमें सी कबाब डालेंगे। इतनी देर में हमारा कोयला भी गर्म हो रहा है जिससे इसका दम पे हम रखेंगे और बारबेक्यू टेस्ट आएगा। देखिए व्यूअर्स, अब इस पर कलर आने लगा है। अभी स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा हाफ कप पानी ऐड करेंगे ताकि एक दफ़ा फिर ये अच्छी तरह पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और जब हम दूसरी भुनाई करेंगे फिर हम अपने सी कबाब दम पे डालेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब हम ये देखेंगे हमारा तैयार हो चुका है मसाला। अभी स्टेज पर हम इसमें सी कबाब डाल देंगे। सी कबाब डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखेंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह से जज्ब कर ले। अब हम इसकी गार्निशिंग प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें, धनिया वगैरह और गरम मसाला ये डालने के बाद हम इसे कोयले का दम लगा देंगे। अब हमारे सी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, हमारे दम सी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें चपाती, पराठे या तंदूर की रोटी जिसके साथ दिल चाहे खा सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैं उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। शुक्रिया बहुत।